गुड मॉर्निंग, इज दिस इंडिया टीवी? मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं रामचंद्र घिमरे बात कर रहा हूँ यूएई से। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, समीर भाई साहब, ये जो नेपाल के जो अर्थक्वेक के बारे में एक न्यूज़ आया था, बहुत सारे वीडियो क्लिप आए थे, तो उसके बारे में कुछ मुझे बात करना है। तो ये बात है कि एक वीडियो आया था जिसमें इंडिया टीवी ने जिसको लाइव दिया था ना, तो उस वीडियो में था खाने के लिए नेपाल में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई की वीडियो तो था, मैंने भी देखा था, हेलमेट से मार मार रहे थे, लेकिन उसमें कोई प्रूफ नहीं था, उसमें कोई एविडेंस नहीं था कि खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं या दूसरी वजह से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ना उधर खाने का कोई प्रूफ था, ना कोई पार्सल का प्रूफ था। तो ऐसे ही मतलब आप जबकि आप ऑन द स्पॉट वीडियो लाइव कर रहे हो, तो उस टाइम तक अपने करीब फिर भी आपको उधर उसका वीडियो दिखाना चाहिए था कि खाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। सिर्फ आपने बोल दिया कि खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कुछ साफ नहीं हुआ। तो आप अगर बिना प्रूफ, हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। तो नहीं, एक बात मेरा सुनिए कि अभी अभी ईमेल वीमेल का छोड़िए, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो आप उधर ही हैं, तो आप फिर भी आप उन लोगों से बोल सकते हैं, मतलब गलती हो गई है फिर भी, हाँ, तो आप उन लोगों को हाँ बोल सकते हैं। तो अब दूसरा बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरा बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ने जो बनाया बोला था थंबनेल को मिनी इंडिया बोला था, तो अपने आप रिपोर्टर अपने हिसाब से जो उसके दिल में आ गया वो किस तरह से बोल सकता है कि ये मतलब मिनी इंडिया है कि क्या है बोल के। मान लो कि हम यूएई में रहते हैं, नेपाली यूएई से, यूएई का सिटीजन से ज्यादा हम नेपाली इधर रहते हैं यूएई में, तो हम तो इसको मिनी नेपाल तो नहीं बोल सकते ना यूएई को। तो ये बात भी शायद गलत है। और आपका दूसरा बताया था कि आपका न्यूज ने बताया था कि भारत सरकार, भारत सेना निकला फौज लेके नेपाल को अपने पैर पे खड़ा करने, तो क्या नेपाल अपने पैर पे खड़ा नहीं है? इसका मतलब अपने पैर पे खड़ा करने भारत सेना निकला है, तो इस तरह से न्यूज आया था, तो इसका मतलब नेपाल अपने पैर पे खड़ा नहीं है। तो आप बिना प्रूफ के अगर मतलब कुछ भी करते हो, और मतलब इस तरह से करना है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए और टीआरपी के लिए है, तो आप बोल दो कि नेपाल का कैपिटल सिटी दिल्ली है और अंबानी नेपाल में पानीपुरी सेल करता था, तो इसमें भी आदमी लोग जो है ना इंटरटेनमेंट ज्यादा करेंगे। और जो दूसरा था, एक पिक्चर आया था जो एक बच्चे को नेपाल आर्मी ने हाथ में लिया था, गोद में लिया था, तो आप लोगों ने बोला था कि वो इंडियन आर्मी है। तो अगर आप लोगों को इतने भी समझ नहीं है कि इंडियन आर्मी का ड्रेस कौन सा है और नेपाल आर्मी का ड्रेस कौन सा है, तो आप ये पत्रकारिता करते ही क्यों हो, मतलब आप जर्नलिज्म करते ही क्यों हो, जबकि आपको किसी
किसी की चीज में अंतर नहीं है, कोई भी चीज का आपको डिफरेंस नहीं दिखता, तो आपको जर्नलिज्म करके कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात कि आदमी लोग मर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, तो उधर पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है। आप बताओ, भगवान ना करे कि आपका भी घर गिर जाए और आपका भी अपना आदमी कोई मर गए, भगवान ना करे, लेकिन मैं अगर आपको जाके पूछूं कि जब आपने आप अपने आप को अपने रिश्तेदार को घुमा रहे हो, तो फिर मैं आपको पूछूं कि हाँ भाई साहब आपको कैसा लग रहा है, और यही सवाल मैं आपको 6 बार पूछूं तो आपको कैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको बुरा लगेगा, शायद अच्छा भी नहीं लगेगा, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी कौन सा सवाल किसको पूछना है, अगर ये न्यूज रिपोर्टर को मालूम नहीं है तो ये अनएजुकेटेड न्यूज रिपोर्टर को आप लोग रखते हैं क्यों, मतलब इन लोगों को हायर ही क्यों करते हो आप, किस तरह से इन लोगों को अपने इम्प्लॉय बना देते हो आप लोग। तो दूसरा था एक, जब आप सवाल करने की जगह पे आप सवाल नहीं करते हो कि इंडियन रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर चाइना के बॉर्डर गया, चाइना के आसमान पे खुले घूम रहा था, तो चाइना ने उसमें आपत्ति भी जनाया है, लेकिन आपने इंडियन आर्मी को भी नहीं पूछा, और आपने उन लोगों को पूछना चाहिए था कि उधर गए क्यों, जाने की जरूरत क्या था, आपका मकसद क्या था, आप गए थे नेपाल रेस्क्यू टीम के लिए ना कि चाइना रेस्क्यू टीम के लिए, सही है, तो आप गए थे नेपाल के लिए तो वो लोग को रहना चाहिए था नेपाल पे ही, तो उधर गए थे तो आपने उधर उन लोगों को पूछा भी नहीं कुछ भी। तो दूसरा एक था आपका इंडिया टीवी का ही था, तो उसने पूछा एक चाइनीज रेस्क्यू जो स्नेक कैमरा जो चला रहा था कि हाँ भाई साहब ये काम कैसे करता है, ये किधर से आया है, ये वो बस मतलब वो काम कर रहा है, उधर कोई मेला नहीं चल रहा था कि उधर वो काम कर रहे हैं, उसको आप खुद तो कर नहीं रहे हो, अब रोक के पूछ रहे हो, मतलब आप फुटेज ले सकते हो, बाहर से ले सकते हो, मतलब उसको रोक के, उसका काम को रोक के और आप ऐसे ले रहे हो, तो ये बात भी शायद ठीक नहीं है, आपको कैसा लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और एक पिक्चर में दिखाया है कि एक छोटी लड़की जो है तो उसने अपने भाई को लिया है, तो आप लोगों ने बोला है कि ये जो विक्टिम है वो विक्टिम नेपाल का है, लेकिन वो विक्टिम नेपाल का नहीं है, वो विक्टिम है वियतनाम का, और वो 2007 साल का पिक्चर है, वो अभी का नहीं है, वो फ्रेश पिक्चर नहीं है, और 2007 साल का वियतनाम का विक्टिम है, और आपने इसे नेपाल का बोल के उसको दिखा दिया है, सही है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, सुन रहे हो ना आप, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप शुरू से ही फेक न्यूज प्रसारण करने में माहिर हो, कभी कहते हो लॉर्ड बुद्ध वाज बोर्न इन इंडिया, तो कभी कहते हो माउंट एवरेस्ट इज इन इंडिया, तो कभी कहते हो सीता वाज बोर्न इन इंडिया, तो कभी कहते हो नेपाल एक इंडिया का एक हिस्सा है, तो कभी कहते हो कि व्हाट्स नाउ इज कॉल्ड नेपाल, तो ये बात आप एक जान लो कि नेपाल कभी भी किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं है, एक बार ब्रिटिश आया था, ब्रिटिश को भी मार के भगाया, तो आज तक कभी भी किसी के भी अंडर में नहीं है, तो नेपाल का अपना ही गवर्नमेंट है और नेपाल अपने ही हिसाब से चलता है। और दूसरी बात जान लो कि बुद्ध वॉज बोर्न इन नेपाल लुम्बिनी, सीता वॉज ऑल्सो बोर्न इन नेपाल जनकपुर, और द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो इन नेपाल। लेकिन एक बात आपको आप लोगों को दाग देना पड़ेगा कि आप जो है ना ये दूसरे के लिए मिस्टेक करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मिस्टेक करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि इंडिया चैनल ने आज तक नहीं बोला कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन नेपाल, आज तक नहीं बोला कोई भी चैनल ने, मतलब आप लोग को मालूम है कि मतलब अपने को मतलब अपने जो अस्तित्व जो है वो सेफ होना चाहिए, लेकिन दूसरे का अस्तित्व जाए बाहर में, तो मतलब इतना तक आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ तक कि आप लोगों ने चैनल बहुत पहले नेपाल और ऐसा भी बोल दिया था, वीडियो 10 बार दिखा गया कि नेपाल ने इंडिया का भूमि अतिक्रमण कर रहा है, अभी वो वीडियो 10 बार दिखाया था, तो ये तो सबको मालूम है कि किसने किसका भूमि कितना अतिक्रमण किया है, और ये एक छोटे से बच्चा को भी हजम होने वाला बात नहीं है, सही है। तो कोई भी आप न्यूज दिखाओ तो प्लीज आप खुद जानो, या कोई रिपोर्टर को आप लगा रहे हो काम पे तो थोड़ा पढ़ा लिखा रिपोर्टर जो हो ना, जिसको कुछ मालूम हो उसको लगाओ, बल्कि फेक न्यूज दे के किसी भी मुल्क का कोई भी रिपोर्टर कोई भी चैनल को फेक न्यूज देने में फेक न्यूज चालू करने में कोई भी शायद हक नहीं देता है, तो आपको एक हक किधर से मिला वो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर आप अगर अच्छी तरह से न्यूज नहीं दे सकते हो ना, तो आप इंडिया टीवी न्यूज नहीं बोलो कि उसको बोलो इंडिया बिजनेस चैनल बोल दो, उसका नाम ऐसा दे दो कि समझ में आ जाए कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए और सिर्फ पैसों के लिए करता है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज फेक है सही है रियल है गलत है, आपको सिर्फ पैसों से ताल्लुकात है। तो हम सब नेपाली भारत की हेल्प के लिए बहुत शुक्रगुजार है, और हमारे दिल में भारतीयों के लिए बेशुमार प्यार है, सम्मान करते हैं हम, लेकिन आपका मीडिया ऐसा गलत न्यूज कभी भी दिखाए हमें कतई मंजूर नहीं है। मेरे बातों से शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है, जो सोया जैसा नाटक करने वाला आदमी जो सोया ही नहीं है उसको जगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मीडिया का गिरी हुई हरकत से भी हमारा मतलब भाईचारा जो चल रहा है ना इतना सालों से, तो वो दुश्मनी में बदल जाता है। तो
ये होने के लिए आप जिम्मेदार हो, तो मतलब आपकी वजह से नफरत पैदा हो रही है अभी, समझ रहे हैं ना आप। सुनो जी, मेरा बस 1 मिनट बाकी है अभी। जो ये बस मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो जो गलत फहमी जो आप देते हो ना, उसके वजह से गलत फहमी पैदा होते हैं, और मतलब सुन रहे हैं ना। एक सेकंड तो लाइन पे हाँ बने रहे सर, एक सेकंड लाइन पे बने रहे। हाँ जी, तो आपका जो गलत फहमी से ना हम लोगों पे भी गलत फहमी आ जाते हैं, तो आप मीडिया वाले हैं, लोग तो बहुत फॉरवर्ड हैं, क्योंकि जो आप सुनो आप सुने जी, आप इतना फॉरवर्ड है कि आप ऐसा करो कि मीडिया छोड़ के ना आप एक रुमाल का दुकान डालो, और उस रुमाल को बोलो कि ये धोती है बोल के सेल कर दो, क्योंकि आप फेक न्यूज को रियल और रियल को फेक बनाने में बहुत माहिर है, तो रुमाल को धोती बोल के ना आप, समझ रहे जी, आप लोग फेक न्यूज को रियल बोलने में और रियल न्यूज को फेक बोलने में बहुत माहिर है। इससे अच्छा ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो कैपेसिटी है ना, वो आप एक दुकान डालो रुमाल का, और उस रुमाल का दुकान में आप रुमाल सेल करो, लेकिन धोती है बोल के सेल करो, ये रुमाल नहीं है धोती है बोल के सेल करो, क्योंकि आप झूठ को सच सच को झूठ बोल देते हो जब भी। तो थैंक यू, प्लीज ऑलवेज टेल द ट्रूथ विद द फुल फुटेज एंड द प्रूफ। हम बेवजह लड़ते नहीं, हम मरने से कभी डरते नहीं। आज दिल गुस्ताख है, नेपालियों के दिल में आग है, आग इंडिया इंडियन मीडिया का खिलाफ है, हम बम है, भूल के भी हमें समझना गुब्बारा, गेट लॉस्ट इंडियन मीडिया, इधर आना नहीं दोबारा, समझे आप। जब आपने सारी चीजें कह दी तो शायद हमें कुछ बोलना मुनासिब नहीं है ना, तो कुछ आपको फिर सही नहीं, है आप फिर लोगों का आप पूछने का बात स्टाइल करनी एक बार है। मैं आपको पूछूं, सुन ले आप, एक बार मैं आपको पूछूं, आप लोगों का पूछने का स्टाइल कैसा है। तो मान लो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं आपको पूछूंगा, हाँ जी सुन रहे हैं। सर इतनी लंबी बातें नहीं होती, कंप्लेन अगर आपकी जो भी थी अगर आप वो पूरा कर चुके हैं तो फिर मैं फोन रखूं, क्योंकि अब मेरे समझ से आपने अपनी सारी पूरी बातें कह ली। हाँ यू डोंट हैव गिवन मी अ सिंगल चांस टू स्पीक फॉर अ मिनट। नहीं, आपने भी तो हमें कोई आंख आंख भी झिमक करने का, आपकी ब्लिंक करने का चांस नहीं दिया ना, आपने धड़ाधड़ अगर बोल आपकी दिया बातें पूरी हर हो गई चीज। हो तो नहीं, मेरे पास पूरी आप नहीं हुआ, फिर मैं से आपको नहीं, एक बार पूछ रहा हूँ कि मैं आपको आपके टीवी इंटरव्यू कैसे लेते हैं, मैं आपको वो बोल रहा हूँ। मान लो आप, मैं आपको अच्छा, तो पूछूंगा, आप सारी चीजें बताते रहिए आप हाँ फील्ड हाँ में। सुनिए जी सुनिए, बस 1 मिनट बाकी है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं, हेलो। ओके जी, इंडियन मीडिया मुर्दाबाद, गुड बाय।